भारतीयों विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। और आज हमें काल के बारे में अध्ययन करेंगे। काल का प्रिय विद्यार्थियों, काल का अर्थ होता है समय। काल की परिभाषा, काल की परिभाषा, सबसे पहले आज हमें काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, काल का अर्थ होता है समय। और काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का समय जाना जाता है। से काल कहते हैं। काल कहते हैं। और जिस समय में जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। और जिस समय में जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। अब हमें काल के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। काल के प्रकार, काल तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अनुस्वार लगे क्योंकि ये वाक्य बहुवचन।
वर्तमान का, नंबर एक है वर्तमान है का, और नंबर दो भूतकाल। नंबर तीन है भविष्य का। अब प्रिय विद्यार्थी काल के प्रकार, काल तीन प्रकार के, नंबर एक है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हमें वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करें। नंबर एक प्रकार काल का प्रकार नंबर एक वर्तमान है। क्रिया के जिस रूप से, जिसे रूप से कार्य का वर्तमान, कार्य का वर्तमान है या मौजूदा समय, मौजूदा मौजूदा समय, मौजूदा समय में होने का बोध, उसे वर्तमान का काल है, वर्तमान काल है कहते हैं। अब वर्तमान काल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान है, समय वर्तमान या मौजूदा समय होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर एक, केदारनाथ जी के मंदिर है, केदारनाथ जी के मंदिर में आरती हो रही, केदारनाथ जी के मंदिर में आरती हो रही। और नंबर दो, अविनाश हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और उदाहरण नंबर तीन,
सेवा, गाय की सेवा कर रही है। लाइन नंबर 3 देखिए, अनुराधा गाय की सेवा कर रही है और वर्तमान काल प्रिय विद्यार्थी रहा है, रहे हैं, रही है, ये आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। नंबर 1 केदारनाथ जी के मंदिर में आरती हो रही है, अविनाश से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और अनुराधा गाय की सेवा कर रही है। नंबर 4 कुछ लोग हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्तमान काल है उसकी पहचान है रहा है, रही है और कार्य का वर्तमान है या मौजूदा समय में होना पाया जाता है। जैसे अनुराधा गाय की सेवा कर रही है, कुछ लोग कबूतरों को चुपा हटा रहे और बगीचे में मोर नाच रहा है। नंबर 6 मैं शिव जी के जल चढ़ा रहा हूँ। अब उदाहरण नंबर 9 उदाहरण नंबर 7 उदाहरण नंबर हम लेंगे इसका 7
बगीचे में से पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। आठ नंबर आठ, लोग बाढ़ पीड़ितों को भोजन दे रहे हैं। नंबर नौ, मोहन विद्यालय जा मोहन विद्यालय जा। आठ नंबर दो दस, कुमार कुमार मिट्टी के, कुमार मिट्टी के सुंदर बर्तन बना। कुमार मिट्टी के सुंदर बर्तन बना और मोहन विद्यालय जा।